खबर भिंड से है, जहां प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बुधवार को भिंड दौरे पर आए। वे करीब 4 घंटे भिंड शहर में रुके। यहां उन्होंने जिला योजना समिति की बैठक भी ली थी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बिना सीट बेल्ट के कार में सवार होकर आए और गए। इसी समय परिवहन मंत्री भिंड आरटीओ स्वाति पाठक ने पुष्प गुच्छ भेंट भी किया। मंत्री के बिना सीट बेल्ट स्थानीय मीडिया कर्मियों ने आरटीओ से सवाल पूछा। इस पर भिंड आरटीओ बिना जवाब दिए ही गाड़ी में सवार होकर चली गई। दरअसल मामला यह है कि भिंड जिले में परिवहन स्वास्थ्य पूरी तरह चरमराई हुई है। आरटीओ ऑफिस में दलालों का बोलबाला है। यहाँ पर पदस्थ बाबू ग्वालियर से अप डाउन करके नौकरी कर रहे हैं। आरटीओ मैडम स्वाति पाठक महीने में कुछ दिन बैठती हैं। ऐसी हालत में आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस या अन्य परिवहन संबंधी कामों को लेकर दलालों पर निर्भर रहना पड़ता है। स्थानीय मीडिया कर्मियों द्वारा इस मामले में आरटीओ स्वाति पाठक से सवाल जवाब किए थे, तो उन्होंने कहा था कि परिवहन नियम तोड़ने वाला कोई भी अफसर हो, उस पर कार्रवाई की जाती है। इसी बयान के तत्काल बाद आरटीओ पाठक ने परिवहन मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर भेंट भी किया। पुष्प गुच्छ दिए जाने के दौरान परिवहन मंत्री सीट बेल्ट ना लगाए हुए भी आरटीओ ने देखा। इसी दौरान मीडिया कर्मियों ने आरटीओ से परिवहन मंत्री द्वारा सीट बेल्ट ना लगाकर नियम तोड़ने जाने की बात कही। इस सवाल का जवाब ना देकर गाड़ी के साथ मौके से चली गई। जाते समय आरटीओ मैडम ने सिर्फ इतना ही कहा कि मंत्री जी अभी गए नहीं है, शहर में ही है। अभी तो वो निकले भी नहीं है, अभी तो लगा लेंगे।